रिप्रेजेंट रूट थ्री ऑन नंबर लाइन, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट लिया था क्या? लास्ट पेज का? हेलो, ले लिया था सर। हेलो, ले लिया? यस सर। ओके, नाउ रिप्रेजेंट रूट थ्री ऑन नंबर लाइन, ठीक है। मान लो ये आता है, तो ये तो हमें सब जगह बनाना ही है, तो दूसरे कलर से बना देते हैं, मान लो ब्लैक से, ठीक है। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, है ना। एरो बना देते हैं, ये सब तो सभी में करेंगे। जीरो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। ये सब मार्क कर दो, ओके फिर से हम लोग वही पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दो, ये हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। लेट इट बी ओ, लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी। अब देखो हमें रूट टू बी तो मिल चुका था ना, यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं। यस ये हमारा मान लो यहाँ से यहाँ तक रूट टू है। यहाँ पे ओ के बाद हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिया था, मान लो इसको हम लोग ले लेते हैं सी पॉइंट, ठीक है। सी पॉइंट, यहाँ तक हमारा रूट टू ऑलरेडी है, तो ओके मान लो एक हमें रूट टू मिल चुका है ना। और यहाँ पे क्या है, वन, वन है ना। एक तो वन भी है ना वाई एक्सिस पे, तो देखो एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया, है ना। और यहाँ पे भी एक पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको और इसको ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को प्लस और इस वाले पॉइंट को, ठीक है। अगर ये पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो ओके नीचे हमारा रूट टू इधर आ गया और इधर पे हमारा वन आ गया। अब इधर पे करो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर +1 का यस इक्वल टू रूट अंडर 2 + 1 इक्वल टू रूट अंडर 3। समझ में आया, यस यानी कि ये वाला जो रेडियस है ये क्या हमारा रूट 3। फिर वही करेंगे, इसको फिर से मेजर करेंगे कॉम्पास से, सी से लेके मान लो यहाँ पे ए है, तो ए सी हमारा, ए सी जो था ये तो हमारा रूट टू वाला था, इसके आगे थोड़ा कट करेगा, है ना। फिर इसके बाद हम फिर से यहाँ पे कट करेंगे, है ना। तो हमें रेडियस कौन सा लेना है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा रूट 3 बना, है ना, ठीक है। समझ गए, पहले सर। हमने क्या हाँ किया सर। था, पहले यहां से यहां लिया था, है ना। अब यहां से यहां ले रहे हैं, थोड़ा ये यस एक्स्ट्रा हो गया ना इस बार पहले वाले इसके मुकाबले, है ना। तो यही रेडियस यस लेके फिर हम यहाँ पे अब कट करेंगे, तो ये हमारा कहीं मान लो ओस यहाँ कट करें, ठीक है। इससे पहले हमारा वन और टू के बीच में यहाँ, मैं फिर से मेरे कर देता हूँ अच्छे से। पहले मान लो यहाँ पे जीरो है, ये वाला ले लो यस ऐसे ऐसे, इसको जीरो मान लो, ये वन मान लो और ये टू मान लो। तो रूट टू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है पता है, 1.414, ठीक है। सर और वन रूट थ्री 1.732, है ना। तो 1.414 यानी यहाँ कहीं आएगा, है ना। तो ऐसे भी हम अंदाजा यस लगा सर सकते हैं कि कहाँ आना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ हमारा रूट टू आ गया। अब इससे थोड़ा बड़ा आना चाहिए रूट थ्री, और टू से पहले यानी यहाँ कहीं कट करेगा, है ना। तो ये वाला हमारा हो गया रूट यस थ्री, सेम वैसे ही मेजर किया हमने, रूट है ना। थ्री इसी तरह से अगर हमें रूट फोर ओके करना है तो कैसे करेंगे, कुछ सर। वो थ्री थ्री पे पहले एक नहीं ट्रायंगल बना करेंगे, लेंगे फिर रूट फोर हमारा टू होता है ना, यस सर सीधे टू पे कट कर देंगे, दैट इज रूट फोर, उसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। रूट फाइव के लिए करेंगे, ओके रूट फाइव इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रूट फाइव कैन बी रिटन एज रूट अंडर 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, है ना। तो एक तो हमें यहाँ पे टू मिल गया है और एक यहाँ पर इस तरह वन मिल गया है ना, एक टू है एक वन है, इसको ज्वाइन कर दो, वन बस ये रेडियस हमारा रूट अंडर 5 हो गया, है ना। ये मान लो ओ है, ये ए है, ये बी है, मिल गया ना रूट 5। तो ऐसे ही रेडियस बढ़ते जाएगा, यस और रूट 5 हमारा टू से तो ओके बड़ा ही आएगा, तो यहाँ कहीं कट करेगा रूट 5, है ना। तो ऐसे ही हमारा ना धीरे, पहले ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, ऐसे ही बढ़ते जाता है, ठीक है। समझ गए हैं, बनते सर स्पायरल मतलब बनते जाते सर्कुलर सर्कुलर टाइप घूमते जाएगा, हाँ स्पाइरल, समझ, धीरे धीरे घूमते जाएगा वो, है ना। समझ गए, तो इसको ओके ट्राई करना फिर अपना खुद कॉम्पास वगैरह से ना, कुछ डाउट होगा तो फिर से बताना, ठीक है। तो ओके सर बना कर भेजू मैं क्लियर कर देता हूँ फिर, बाकी बना के मुझे फोटो भेजना, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख ओके लेते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना ये, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या।
व्हाट वॉट डू डू यू यू मीन मीन बाय बाय, जीरोज और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना, जीरोज और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ऑफ ए पॉलिनोमियल से मान लो कुछ भी है, ए एक्स का पावर एन प्लस बी एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स का पावर एन माइनस टू डॉट 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 प्लस डी, ठीक है, इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, से के बाद यहां पे कुछ और भी लिख लो, पीएक्स नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, पॉलिनोमियल पीएक्स इक्वल इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पीएक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स का हम क्या वैल्यू लेंगे कि पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, समझ में आया? यस एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए पूरे पहले पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द रूट और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे मान लो मैं पॉलिनोमियल लिखता हूं यहाँ पे 2x+3=0, है ना, तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे यस किसकी वैल्यू जीरो हो जाए, यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स इक्वल टू -3/2, इक्वल टू जीरो लिखना नहीं है, मान लो 2x+3 खड़ी लिखा है, यू हैव टू फाइंड द रूट ऑफ, या जीरो, जीरो और रूट दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, और इसीलिए नाम इसको जीरो दिया गया क्योंकि पूरे वैल्यू वो जीरो कर देता है ना। तो हमें अगर 2x+3 का जीरो निकालना है या फिर रूट निकालना है, दोनों का मतलब एक ही है, और हमें क्या करना है, तो पहले इसका वैल्यू को जीरो लिख लेना है, फिर एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा -3/2, या फिर इट कैन बी रिटन एज -1.5, है ना, समझ में आया? यस ठीक है, उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन दिया था इसी में, क्या था, गिव एन एग्जाम्पल विथ ग्राफ, है ना, गिव एन मान लो एग्जाम्पल, ये है यस ग्राफ था ना, ये ग्राफ है, मान लो ये एक्स हाँ सर, एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है, वही तो मान लो कि वाई का वैल्यू यहाँ पर वाई इज इक्वल टू ही मान लो पी एक्स है, ठीक है, तो वाई यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे अगर लेते हैं, है ना, ये जीरो है वाई की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू हम कुछ भी लें, यहाँ पर लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, या यहाँ पे लेंगे, या यहाँ पे लेंगे, या लेंगे, ये सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, मान लो ये थ्री है, तो यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा, थ्री एंड जीरो, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वन एंड जीरो, तो हर जगह जो वैल्यू है वाई का, है ना, दैट इज इक्वल टू जीरो, है ना, यस तो इसका मतलब इसका जो रूट्स है वो कौन कौन से हैं, तो ये थ्री, ये वन, ये सब क्या है, रूट्स हैं या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, है ना, क्योंकि तो पी एक्स की वैल्यू हर जगह इस पॉइंट्स पे जीरो हो रही है, यहां नहीं ले सकते इस पर या इस पर, है ना, हम लोग लेंगे सारा केवल एक्स एक्सिस पर, है ना, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं दे ऑल विल बी गिविंग द वैल्यू ऑफ वाई एज जीरो, है ना, ओके और नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, एक इक्वेशन ले सकते हो, लेट एनी जनरल इक्वेशन, जैसे मैंने 2x+3=0 लिया ना, ऐसा ही ले लो, इससे एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, -1.5, है ना, तो मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये वाला पॉइंट है मेरा -1.5, ठीक है, एक्स की वैल्यू, और 2x+3 को हम लिख लेते हैं वाई, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो ये पॉइंट हो गया ना हमारा, समझ में आया, तो मतलब कि यस -1.5 हो गया हमारा एक्स का वैल्यू एंड जीरो, ये हो गया वाई का वैल्यू, है ना, वाई एंड दिस इज एक्स, जब हमारा एक्स -1.5 होगा तो वाई का वैल्यू जीरो होगा, ओके तो तुम ऐसे भी एक नॉर्मल इक्वेशन देके ग्राफ बना सकते हो, है ना, तो कॉन्सेप्चुअली समझना है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है, ये भी क्लियर ठीक हो गया, है, यस ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। लिंक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस व्हाट, सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, है ना, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यस 5 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 5 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो जाए, सर वन, मान लो ऐसा क्वेश्चन है 1, तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले 5 को 2 से करो, 2 2 जा 4, लास्ट में रिमाइंडर क्या आया, 1, यही है हमारा आंसर, रिमेंड, मीन्स जब हम यस डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ओके सर, समझ में आया, तो तुम्हें तो पता है ना वो डिवीजन वाला मेथड कैसे करते हैं डिवाइड,
लॉन्ग डिग्री। हाँ लॉन्ग जेन आता है ना, तो जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आएगा मतलब वो तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे सोचना है ओके जब भी आई विल क्वेश्चंस डू इट। कंफ्यूजिंग लगे तो ये सब पॉलीनोमियल को हटा के सीधे वहां पे 2 या 5 या 3 कुछ भी लिख दो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि मेरा आंसर कैसे मैच हो रहा है ना, इसको एनालाइज करना है। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर ये तो हो ही जाएगा तुमसे, ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन का, यूज फैक्टर थ्योरम टू हाँ वेरीफाई दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ, वेरीफाई दैट एक्स प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन, यही है ना, यस सर। फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें पता है कि एक्स प्लस ए अगर फैक्टर है, मतलब कि अगर हम एक्स की जगह माइनस ए डालें, है ना, एक्स की जगह माइनस ए डाल देते हैं का पावर एन प्लस ए का पावर एन, है ना, तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। अब यही चेक करना है, मैं आएगा यस कि सर। नहीं, तो इक्वल टू क्यों आ जाएगा, देखो यहाँ पे -1 इंटू ए अलग अलग लिख देते हैं का पावर एन, है ना, प्लस ए का पावर एन इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज -1 का पावर एन फिर ए का पावर एन प्लस ए का पावर एन, ए का पावर एन तो कॉमन हो जाएगा ना, -1 का पावर एन यस प्लस 1 इक्वल टू ए का पावर एन इंटू, जी अब देखो यहाँ लिखा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा है ना, -1 प्लस 1 है ना, फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यस ऑड अगर है तो -1 का पावर अगर करेंगे तो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, सर माइनस। माइनस में आएगा, तो यहाँ क्या हो गया -1 और यहाँ हो गया +1, मतलब हो गया 0 इक्वल टू यस 0, तो मतलब कि अगर 0 आता है, पता है ना, अगर रिमाइंड अगर हमारा लास्ट में 0 आता है, इसका मतलब कि वो हमारा पूरा पूरा इसका फैक्टर बन रहा है ना। हाँ सर। अगर हम लोग पी एक्स को जी एक्स से करते हैं है ना, तो लास्ट में रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी बोलते हैं ना कि हाँ पूरा पूरा कट रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यस वही जो सर। हमारा फैक्टर था जो -a आ रहा था उसको हमने एक्स की जगह डाल दिया और देखा कि सही में उसका वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब x+1 a इज अ फैक्टर व्हेन ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अगर इवन होगा तो नहीं, इवन होगा तो -1 का वैल्यू जो है +1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ये, तो है ना, तो 0 नहीं आएगा, इसीलिए उस ओके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, है ना, क्योंकि ऑड पॉजिटिव इंटीजर में ही -1 ओके होगा। सर। समझ में आ गया, ठीक ओके सर। है, स्क्रीनशॉट ले लो। लेट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस शो दैट दिस इक्वल टू दिस, x² -1 इज अ फैक्टर, है ना, ये लिखा है ना, यस x² -1 इज ए फैक्टर, तो जो भी फैक्टर है पहले तो हम उसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तभी आता है ना इसका वैल्यू, लेट दिस बी 0, तो इसका मतलब x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि x² क्या हो जाएगा √1 इक्वल टू क्या हो जाएगा +1 एंड -1, दोनों आंसर आएंगे ना इसके, यस ओके, +1 का स्क्वायर भी 1 होगा और -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, है ना, एक्स के 2 वैल्यू आ गए। अब हमारा जो इक्वेशन दिया है ax² + bx³ + cx² + dx + e, है ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा कब, एट x = 1 एंड एट x = -1, तो एक बार 1 डाल दो सभी जगह एक्स लेगा तो क्या हो जाएगा a+b+c+d+e = 0, और एक बार -1 डाल दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो a ही होगा यहाँ -b हो जाएगा और यहाँ पे +c हो जाएगा, यहाँ -d हो जाएगा, यहाँ +e = 0। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके सर। नाउ मान लो हम इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर देते हैं, तो देखो ए ए तो हमारा 2a हो गया, cc 2c हो गया और ee 2e हो गया = 0, या फिर a+c+e = 0 आ जाएगा, है ना, ये मान लो थर्ड इक्वेशन। हाँ सर। एंड इफ आई एम डूइंग व्हाट, आई एम सब्ट्रैक्टिंग 1 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b, तो 2b हो गया +2d हो गया और = 0 हो गया, यानी कि b+d = 0, 2 तो कॉमन हो जाएगा ना, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। तो देखो a+c+e = 0 आ गया और b+d = 0 आ गया, यानी कि फ्रॉम 3 एंड 4 इक्वेशन, फ्रॉम 3 एंड 4
अगर राइट साइड के दोनों इक्वल हैं तो लेफ्ट साइड के दोनों भी इक्वल ही होंगे, यस यानी कि ए प्लस सी प्लस ई इक्वल टू बी प्लस डी, यही करना था ना प्रूफ, हो यस सर, हाँ गया है ना। लेकिन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है। इफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स है ना, एज एज एक्स प्लस टू एज ए फैक्टर, एज ए फैक्टर एंड लीव्स रिमाइंडर फोर, एंड लीव्स इसमें रिमाइंडर भी है ना, जीरो नहीं है, लीव्स अ रिमाइंडर फोर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। इसमें को दो कंडीशंस दिए हुए, एक तो है दिस इज अ फैक्टर, अगर एक्स प्लस टू फैक्टर है यानी कि अगर हम इसमें इसको डालेंगे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स में, है ना, अगर हम एक्स की जगह क्या डाल देंगे, माइनस टू है ना, तो इसकी वैल्यू जीरो हो यस जाएगी, माइनस टू प्लस एक्स की जगह माइनस टू माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि ये कितना हो जाएगा, माइनस एट ए प्लस फोर बी, प्लस ये फोर कितना बी हो गया, माइनस एट माइनस माइनस टू एट माइनस सिक्स में माइनस एट इक्वल टू जीरो, या फिर फोर कॉमन ले सकते हैं, माइनस ए प्लस बी माइनस टू इक्वल टू जीरो, और बी माइनस ए माइनस टू इक्वल टू जीरो कुछ भी ना, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। हमें दो इक्वेशन हमेशा चाहिए होता है ना। नाउ सेकंड में क्या है, यस अगर हम टू से करते हैं, अगर हम यहाँ पर टू रखते हैं, टू का क्यूब प्लस बी इंटू टू का स्क्वायर प्लस टू माइनस सिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर फोर, गुड, तो पता ही है, ये हो गया एट ए प्लस फोर बी माइनस फोर इक्वल टू फोर है ना, या फिर एट ए प्लस फोर बी माइनस एट इक्वल टू जीरो, या फिर यहाँ पे फोर कॉमन ले लो, टू ए प्लस बी माइनस टू इक्वल टू जीरो, फोर एक मिनट, फोर बी सर माइनस वहां टू माइनस फोर 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 बी माइनस एट था ना, तो हमने फोर कॉमन लिया ना, फोर टू ए प्लस, यस अच्छा बी होगा यहाँ पे है ना, यस यहाँ पे हो गया बी माइनस टू इक्वल टू जीरो है ना, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इनको तुम सॉल्व करके निकाल ही सकते हो, ये और बी की वैल्यू है यस ना, पक्का सर, डाउट है तो बताओ, अभी कर दूंगा मैं, एक सर ट्राई कर ट्राई करो। सर, बी का सर ए का आया सर, कितना आया, -0.625। कितना क्यों निकाल दिया, रेशियो इशू निकल रहा था, रेशियो निकाल दो, तो ये डाउट है, देखते हैं। यहां से देखो, एक इस इक्वेशन से है ना, बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए प्लस टू, यस अब इस ए प्लस टू को इसकी जगह डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, टू ए प्लस ए प्लस टू माइनस टू इक्वल टू जीरो, टू टू कट गया, टू ए प्लस ए कितना हो गया, थ्री ए इक्वल टू जीरो, या ए इक्वल टू क्या आ गया, जीरो बाई थ्री, या जीरो, ए इक्वल टू जीरो आ गया ना आराम से, अब इस ए इक्वल टू यस जीरो को इसकी जगह डाल दो तो क्या हो जाएगा, बी माइनस टू इक्वल टू जीरो, या फिर बी इक्वल टू टू, बस इतना पॉइंट वन में कैसे आ रहा तुम्हारा, समझ में आया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसके सारे एग्जांपल्स देखो, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट है तो मुझसे पूछना फिर, ठीक है, बिल्कुल चलो ओके, फिर आज का समाचार यहीं समाप्त करेंगे, तुम्हारा खाना हो गया, यस सर, ठीक ओके ओके, तो रिवाइज कर लो ये सारा, ठीक है, कुछ डाउट होगा तो मुझे शेयर करना व्हाट्सएप पे, चलो ओके बाय। ओके सर।